क्लास सिक्स मैथ्स पेज नंबर 148 एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन 1. इफ़ द इंटरेस्ट ऑन रुपीज़ 1200 एट 8% बी रुपीज़ 288 फाइंड द पीरियड. अगर हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है 1200 और रेट दिया हुआ है 8% इंटरेस्ट 288 तो फाइंड करेंगे हम टाइम. सबसे पहले डेटा प्रिपेयर करेंगे. डेटा में वो सारी वैल्यूज़ लेंगे जो हमें क्वेश्चन में गिवन है. प्रिंसिपल 1200, रेट 8%, इंटरेस्ट 288, फाइंड करेंगे हम टाइम. टी इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क. फार्मूला अप्लाई करेंगे. फार्मूले के लिए टाइम इज इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट. टाइम इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट की वैल्यू ले लेंगे 288 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 1200 मल्टीप्लाई 8. यहाँ पे सेम टेबल से कट कर देंगे. 6 के टेबल से पहले 0 से 0 कैंसिल कर देंगे. 6 टू ज़ा 12. 6 के टेबल में 28 नहीं आता, उससे कम लेंगे 24. 6 फोर ज़ा 24. 4 कैरी 48. 6 के टेबल में 48. 6 एट ज़ा 48. टाइम इज इक्वल्स टू जो वैल्यूज बच गई उनको लिख देंगे 48 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 8. यहाँ पर भी हम सेम टेबल से कट कर देंगे, डिवाइड करेंगे 2 से. 2 वन ज़ा 2, 2 टू ज़ा 4, 2 फोर ज़ा 8. 24 वन ज़ा 24, 1 मल्टीप्लाई 8, 1 8 ज़ा 8. यहाँ पे 8 और 24 सेम टेबल से कट हो रहे हैं, डिवाइड कर देंगे 8 से. 8 वन ज़ा 8, 8 थ्री ज़ा 24. टाइम इज इक्वल्स टू 3 ईयर्स. आंसर. होमवर्क के लिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 रेट परसेंट के फार्मूले से, क्वेश्चन नंबर 3 प्रिंसिपल के फार्मूले से.